नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रविवार रात गुवाहाटी के जालुकबारी लोखड़ा रोड के पास लालुंगाव इलाके में एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला सड़क पार करने का प्रयास कर रही थी जब कार उससे टकरा गई, जिसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। असम के तामुलपुर जिले के कुमारीकांटा रेंज के वन विभाग ने हाथी दांत के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर कुमारीकांटा वन पदाधिकारी बीरेन चंद्र बोरो और 24वीं वाहिनी एसएसबी द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में तस्कर को गिरफ्तार किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें पूरी तरह से बंद किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने विश्वास दिलाया है कि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष है। अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वह राहुल गांधी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। संभवतः अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकता है। संदेश खाली में पुलिस लगातार कई रुकावटें पैदा कर रही है। बंगाल पुलिस कानून का हवाला दे प्रदर्शन करने की इजाजत भी नहीं दे रही। इसे गंभीर मानते हुए भाजपा ने कोलकाता हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रविवार को भूस्खलन में नेपाल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मृतक की पहचान नेपाल निवासी दीपेंद्र पुन के रूप में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को बढ़ावा देने और उद्योग के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 28 फरवरी को भारत और अमेरिका मातृभूमि सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण वार्ता आयोजित करेंगे, जिसमें आतंकवाद विरोधी, सिख कट्टरपंथियों से संबंधित चिंताओं, साइबर सुरक्षा और विमानन सुरक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। टीम इंडिया ने रांची में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज भी 3-1 से अपने नाम कर ली है। धन्यवाद। ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।